प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम पठन अभियान रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 23 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास ग्रुप में, साथ ही अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से आपके दोस्त रिश्तेदार भी कुछ पढ़ लिख जाएं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपकी पुरानी नहीं कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जाकर के उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वर्कशीट आपकी नई पुरानी आ जाएगी, आप सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत से फ्रेंड्स आपके भी होंगे, आपने भी बनाए होंगे, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन सबसे अच्छे फ्रेंड्स कौन होते हैं? उनमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पेरेंट्स का, यानी कि मम्मी पापा का। ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। दूसरा नाम आता हमारे टीचर्स का, टीचर्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। और तीसरा नाम आता है हमारी किताबों का, ये किताबें, जो कि किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो पेरेंट्स, टीचर्स और बुक्स, ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। बाकी सारे दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी धोखा नहीं देते, टीचर्स कभी धोखा नहीं दे सकते और बुक्स कभी धोखा नहीं दे सकते। तो चलिए आज हम एक इंटरेस्टिंग सी कविता को पढ़ते हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। तो चलिए देखते हैं किताबें क्या कहना चाहती हैं हमसे, आपसे। किताबें करती है बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की। किताबें बातें करना चाहती हैं बीते जमानों की, जो ज़माना बीत गया है उसकी बातें करना चाहती हैं किताबें, क्योंकि किताबों में हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री हमसे कुछ कहना चाहती है। अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, महाराणा प्रताप कौन थे। तो बीते जमानों की बातें करती हैं, दुनिया की बातें करती हैं, इंसानों की बातें करती हैं, आज की और कल की बातें करती हैं, साथ में हर एक एक पल की बातें करती हैं, कभी खुशियों की, कभी गमों की, कभी जीत की तो कभी हार की, और कभी प्यार की, कभी मार की। वाओ, अगर आपको दोस्त बनाने हो तो किताबों को बनाइए। किसी ने सही कहा है कि कभी आप बोर हो रहे हो, कोई आपसे बोलने को तैयार ना हो, कोई आपसे बातें करने को तैयार ना हो, तो आप किताबों को दोस्त बना लीजिए, क्योंकि किताबें हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जब हमारा दिल करे हम इनसे बातें कर सकते हैं और ये हमसे बातें करेंगे। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? ये जो किताबें कुछ कहना चाहती हैं आपसे, बीते ज़माने की बातें करना चाहती है, खुशी की बात करना चाहती है, गम की बात करना चाहती है, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ खुशियों की, कुछ गमों की, कुछ हार और जीत की, प्यार मोहब्बत की, ये बातें करना चाहती है। तो क्या आप सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बहुत सारे दोस्त बगावत कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, बेवफा हो जाते हैं, लेकिन किताबें आपके पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है। आपने देखा होगा किताबों में बहुत सारी रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड्स होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, तो ये चहचहाती हैं किताबों में। किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं और खेत खलिहान हरे भरे, वो जो सुंदर सुंदर से खेत होते हैं वो लहलहाते हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं और झरनों की आवाज़ आती है। परियों की किस्से सुनाते हैं और ये किताबें हमें परियों की किस्से सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाते हैं, काफ़ी कुछ हमें नया सीखने को मिलता है किताबों से। और कुछ क्या होता है, देखो किताबों में रॉकेट का राज, रॉकेट यानी कि साइंस। आप देखें रॉकेट से आज हम कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। किताबों में साइंस की आवाज़ है और किताबों में साइंस है, विज्ञान है किताबों में। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या नहीं है किताबों में? सब कुछ किताबों में है। रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है, कितना बड़ा संसार है किताबों का, और किताबों में ज्ञान भरमार है, इतना ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे?
क्या तुम किताबों से दोस्ती नहीं करना चाहोगी? क्या तुम किताबें नहीं पढ़ना चाहोगे? प्यारे बच्चों, किताबों से दोस्ती करो, ये आपको लक्ष्य तक पहुँचाएंगी, आपको आपके सपने पूरे करवाएंगी। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। और ये जो कविता है ये लिखी है सफदर हाशमी ने, बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, इसकी हमने व्याख्या एक्सप्लेन किया, आपको अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप किताबों से दोस्ती करना पसंद करोगे, आप किताबें पढ़ना पसंद करोगे, और जब भी आप बोर हो रहे हो, खाली टाइम हो आप, तो इन किताबों के पास आप ज़रूर बैठे, इन किताबों को ज़रूर खोलें, आपको बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, आइए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके आंसर सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको रिटर्न में लिखवाए हैं इनके आंसर, सबसे पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में आपको कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाएंगे। काफ़ी कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, उनकी आप सूची बनाएंगे और उन शब्दों को अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा भाई बहन, अपने घर के बड़े सदस्यों मेंबर से उन्हें पूछेंगे और उन्हें उनके अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कौन सा शब्द कठिन है वो आप ही बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पूरी जो कहानी है, पूरी कविता है, वो यहाँ पर लिख दी है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखिए कि इसमें कौन सा टफ यानी कि मुश्किल सा शब्द है। शायद आपको इसमें जो है गम, तो गम का मतलब होता है दुख। एक और इनमें खेतियाँ, खेतियाँ कहते हैं खेतों को। इसी तरह से और क्या आपको कोई टफ वर्ड मुश्किल लगा तो यार मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएं। साथ में आप अपनी कॉपी में नोट करें और आप अपने टीचर से भी इनके अर्थ पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको मुझे ये इसके जो अर्थ आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल है, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे, बहुत सारे डाउट होते हैं किताबों से पूछने का। आपको लगता है कि काश स्कूल खुले तो हम अपने टीचर से बातें करें, अपने फ्रेंड से बातें करें। इसी तरह से किताबों से भी आप बातें कर सकते हैं। साथ में आप उनसे कौन से प्रश्न पूछते, उन किताबों उन प्रश्नों को आप लिखेंगे और उनके उत्तर किताब क्या आपको दे, बुक्स आपको क्या रिटर्न में उसके आंसर दे, तो वो भी आप लिखेंगे। मैं लेके आया हूँ, ज़रूर दिखाऊंगा, पहले आप इसे अगले प्रश्न को पढ़ लें। आपकी सबसे प्रिय किताब पुस्तक कौन सी है और आपको यह किताब क्यों पसंद है, इसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेज लिखने हैं। तो देखो, बहुत सारी किताबें हमारे, जैसे लाइक परियों की किताबें हैं, स्टोरी की किताबें हैं, आपको साइंस से रिलेटेड जानना हो, आपको क्विज यानी कि पहेलियाँ अच्छी लगती हो, आपको कविताएँ अच्छी लगती हो, आपको क्या अच्छा लगता है, तो यार डिफरेंट डिफरेंट आपकी पसंद हो सकती है। आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, तो चलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ आंसर लिखे हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न का आंसर तो आप खुद ही डिफ़िकल्ट वर्ड लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर है, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप कौन से प्रश्न पूछते? तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 प्रश्न लिखे हैं, आप इसमें चौथा भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान, अच्छा अच्छा ज्ञान कहाँ से आता है? आप किताबों से पूछना चाहोगे, मैं भी पूछना चाहूँगा। तो इसका अनुमानित उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं हमेशा नया नया करने की, नई नई खोज की या नया नया रिसर्च करता रहता हूँ, लगी रहती हूँ। किताब हमेशा नई नई रिसर्च, इसलिए मेरे पास इतना सारा ज्ञान आता है। अगर आप भी नई नई चीज़ें खोजोगे, नया नया जानने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपके पास भी बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। दूसरा है कि तुम्हें सभी लोग इतना प्यार पसंद क्यों करते हैं? आप भी चाहते होंगे आपको पसंद करें लोग, क्योंकि मैं सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ, नई और सही राह पर ले जाती हूँ। इसलिए आप भी किसी से अच्छी अच्छी बातें करोगे, किसी का दोस्त बनना चाहोगे, तो यार डेफिनेटली आपसे भी लोग प्यार मोहब्बत करने लग जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, जो बच्चा तुमसे आपसे दोस्ती ना करे इसका क्या होगा? अगर आप मुझसे दोस्ती ना करोगे, किताब जवाब देगी कि अगर आप मुझसे दोस्ती ना करोगे तो आपको लोग बुद्धू कहेंगे, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। तो यार किताबों से दोस्ती ज़रूर हमें करनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न है आपके लिए कि 3 प्रश्न मैंने आपको बताए,
आप किताब से कौन सा प्रश्न पूछना चाहोगे उसका जवाब, उस प्रश्न को आप कमेंट में लिखें कि क्या सवाल आप प्रश्न पूछना चाहोगे। अगर मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने की, साथ में आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी आपको इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ा सा क्विज सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि कौन सी किताब आपको पसंद है, तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, वैसे तो मुझे बहुत सी किताबें अच्छी लगती है, पसंद है, फिर भी मेरी पसंदीदा किताब का नाम हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की किताब आपके पास है? देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मैंने हैप्पीनेस लिखा, क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस की किताब में बहुत सी ज्ञानवर्धक कहानियाँ होती हैं, एक एक सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज हैं, मोरल स्टोरीज हैं, साथ में इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी हैं, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपको खुश रहने को मिलता है, खुशी जब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पे ये सिखाती है। तो यार इसके अलावा आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। नई वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय।